प्रणाम। प्रणाम। इस महामारी ने रिश्तों में भी एक अलग दूरी पैदा कर दी है। बच्चे कोविड से जूझते माँ बाप से दूर हैं, मजदूर अपने गांव से दूर हैं, हर तरफ बस एक डर का माहौल है। केस बहुत क्लियर है सर, आप लेडी पद्मिनी राज सिंह के बड़े बेटे हैं, पर ये फार्म हाउस और इसकी 300 एकड़ जमीन सिर्फ आपके हिस्से नहीं लिखी जा सकती। आपके दोनों छोटे भाई गजेंद्र और वीरेंद्र का भी इसमें बराबर हिस्सा होगा। मैम की मेडिकल रिपोर्ट भी काफ़ी सीरियस है और उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मुझे आज ही मैम से मिलना होगा। किसने भेजा तुम्हें? मेरे बॉस ने, उन्होंने मैम से इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली थी। सर सबको यही लगता है कि आपने मैम को इमोशनली ब्लैकमेल किया है और ये सब अपने नाम करवा लिया है, और मैं यहाँ आपकी ये मनमानी रोकने आया हूँ। मनमानी? मेरी माँ ने अपनी मर्जी से ये जमीन मेरे नाम की है। इसी कारण मुझे मैम से मिलना है अभी इसी वक्त। उन्हें कंपनी की तरफ से नई विल का ड्राफ्ट देना है, इससे पहले कि वो अपना दम तोड़ दें। मेरे भाइयों ने तुम्हें खरीदा है, मुझे नहीं, और ना ही मुझे खरीद सकता है। सर देखिए, मुझे मैम से मिलना है अभी, राइट नाउ। लाली। अरे भाइयों, कहाँ हो? अरे कहाँ रहेंगे, मुंबई में। अरे अभी तक कैसे आओगे चलकर? और क्या, दो पांव दिया है भगवान ने, पहुंच ही जाएंगे। अच्छा देखो, अम्मा तो सोमू मामा के आई हैं, लेकिन पापा की कोई खबर मिली का? पापा लापता होंगे कहीं। बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता ना कर लाली, जुगाड़ू बाप है अपना, मुझसे पहले पहुंच जाएगा। ऐसा आदमी है, मरुस्थल में भी अपनी हरी सब्जी उगा दे। ढकी चादर से बने तंबू में जो थक के सो जाता है वो मजदूर है, इमारतें ऊंची बनाता है। और गिन चुन के 10-5 रुपए होते हैं पॉकेट में, जो बड़ी मुश्किल से नहा निचोड़ के बचाता है। अरे भैया, तुम्हारा लौंडा 5 केला खा चुका है गिन के, कहो एक दे दे। है बेटा, दे दो दे दो। अरे गरीब रस पर कविता सुनाए हैं तुमको। बच्चे हैं, केला खाएंगे तभी तो खेला करेंगे। बिहार जा रहा है, पहुंच जाएगा। वैसे यहाँ के केले की जो बात अलग होती है, केला भी जो है जगह देख के रंग बदलता है। अब विष्णु विष्णु अरे पागल है क्या, मरेगा मेरी गाड़ी के नीचे इडियट। अरे भाई, आप तो मैडम है। देखिए मैडम, हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। फॉर गॉड्स, आप कोरोना वॉरियर है ना? No. नहीं, आप हैं। अच्छा, कैसे पहचाना? ज-
चेहरे से ही लगता है कि आप वॉरियर हैं। तो फिर ठीक है, फिर ये लो और ये ले और फुट लो। नहीं नहीं मैडम मैडम मैडम, मेरे पास ये सब सब है, मेरे पास टेस्ट है, सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है मैडम, लेकिन अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगी ना, मैं बता रहा हूँ जान दे लूंगा आपकी गाड़ी के नीचे, चिट्ठी लिख के मरूंगा आपकी वजह से मराऊ। अब वीडियो निकाल, वीडियो वीडियो बना, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी आप, मैं बता रहा हूँ मैडम। क्या है, कहाँ से आए हो तुम? पंडित लॉस एंजलिस के यहाँ से, बावर्ची हूँ। कुकु? हाँ, पिछले 10 सालों से आधुनिक भोजन बना रहा हूँ। हैं? आधुनिक भोजन, मॉडर्न कुकिंग। थैंक यू मैडम। किस टाइप का खाना बनाते हो तुम? देसी, इंग्लिश, इटालियन, चाइनीज, कोलीवा। बस 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 बस, हमारे इधर काम करेगा कुक का? कहाँ? इधर ही है आगे, 36 फार्म हाउस। मैडम आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं मजाक नहीं कर रही है मैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोग को एक ऐसा कुक चाहिए जिसका आगा पीछा कोई नहीं है, समझा ना? मतलब तुम शादी बनाए? नेवर। फैमिली? नेवर। बैचलर? फॉरएवर। This is called kaddu clear soup. पीजे ना, एक नंबर है। तुम भी ऊपर ले। कोविड नेगेटिव है सर, टेस्ट किया है, I've checked it and आधार कार्ड भी है, दिखा। ठीक ठीक। Yes. I've checked everything. Yes. अच्छा है ना? 10 years का experience है सर। All kind of restaurant, Chinese, Thais, Mughlai, Punjabi, सब। Family? सर कभी शौक ही नहीं रहा और भगवान ने दी भी नहीं कोई फैमिली। बच्चे हैं नए पुराने? अब बीवी है ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे सर। झूठ बोलते हो? हाँ कभी कभी। मतलब सच बोलते हो? What a question! You're such a genius, sir. इनको ठीक से सब समझा दो, कोई ग्रांड मस्ती नहीं चाहिए। Of course, आप तो जानते हैं मैं कितने अच्छे से समझाती हूँ। चलो समझाती हूँ, चलो ये उठाओ, चलो उधर। ये ग्रांड मस्ती बोले कि ग्रांड मस्ती? अरे चलो। हमारे घर का काका है जो खाना बनाता था, वो कोविड का न्यूज सुनते ही जो भाग गया तो भाग गया। अच्छा हुआ काका गया, पटाखा आ गया। मैडम मेरा कुछ बात ध्यान से सुनना, इस घर में सिर्फ 2 लोगों का रूल चलता है, वो है ग्रैनी और उनका बेटा रौनक सर। बिल्कुल चलना भी चाहिए मैडम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, रौनक सर से संभल के रहना, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, उनका आँख है सीसीटीवी कैमरा के जैसा काम करता है। जी बिल्कुल, एक्सरे मशीन है साहब। बड़ा होशियार कुक है माँ, सूप मिलेगा पीने के लिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। रौनक, संडे को एक लॉयर आने वाला था मुझसे मिलने, आया था क्या? हाँ आया था, आप सो रहे थे, मैंने उसे वापस भेज दिया। किस लिए आया था? पिछले 6 महीने से आप मेरे इतने करीब हैं, मेरे पास हैं, ये बात आपके जल्लू बेटों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन वो यहाँ किस लिए आया था? ये कहने कि आपने फार्म हाउस मेरे नाम क्यों कर दिया? ये कैसी बात हुई? मेरी मर्जी है, मैं किसी के नाम भी फार्म हाउस कर दूं। Exactly. मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ मेरे नाम पे किया था। इसी बात की तकलीफ है उन्हें,
पापा ने हम चारों को बराबर का हिस्सा दिया। उनकी किस्मत की वो और अमीर हो गए और मैं इंसॉल्वेंट। ओह रौनक, लेकिन उसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। इस फेल्यूर से मैंने काफी कुछ सीखा है माँ। रौनक, मैं हूं ना बस। पर मेरे हरामी भाई गजेंद्रा त्रेंद्रा। बस 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 चुप। मैं तुम भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा देखकर बहुत दुखी होती हूँ। सो प्लीज स्टॉप दिस फाइटिंग। कैसा है? नाइस। क्या बताया उस कुक का नाम? जयप्रकाश नाम है मेरा, लेकिन बंबई में पूछो किसी से, जेपी सलमान से पूछो, जेपी रणवीर सिंह रणवीर कपूर किसी से पूछो, जेपी इवन जो नया लड़का नहीं आया विक्की कौशल, जेपी 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 पार्टी है बिरयानी खिला दो। अब क्या करिएगा, हुनर है तो कदर है, हाथ में मुकद्दर है। नंबर वन शेफ इन एशिया पैसिफिक माय सर। अब आप लोग खाना खाते रहते, अपना नाम बताइए, हम बाकी पकड़ लेंगे। मैं मालिनी। मैं सोमनाथ माली। देवपाल सिकोटी। मैं कर्मी। एक बात बताओ। हाँ। दारू मिलेगी? तुम्हारे पापा खून नहीं लग रहा है, हम क्या करें लाली? तुम एक काम करो, हरीश पता करवाओ। ये अम्मा, हरे भैया को भी नहीं मालूम, कलेजा सूख रहा है हमारा, जाने किस हाल में है। तुम ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ अम्मा, पापा आ जाएंगे। बस काका है यहाँ जो धारी का पैसा खातिर उत्पात जोते पड़े। का ये हमारी चिंता की आग में जो है ना घी डालने का काम कर रहा है ससुरा। कही तो तुम उस दलिलदार महाराज से कि हम जो है मुंह पे मारेंगे उसके 3 लाख रुपए। एक बार तुम्हारे पापा आ जाए ना, फिर हम गांव आकर जो है ना सबकी बुद्धि ठिकाने लगाएंगे। हमारा नाम शांति श्री है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़े फार्म हाउस में नौकरी करते हैं हम, 40,000 तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन नखरे भी 40,000 है ना इनके। तो यही बात अम्मा को फोन करके बताओ, परेशान है वो। अम्मा को? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अम्मा को फोन नहीं करना, ना करेंगे वो हमारी माँ की आँख कर देगी बेटा। तो करो फोन उस बीरा लाल को जो हर रोज घर पर कब्जा करने की बात करता है, नहीं संभाल पा रहे हम इतना कर्जा। इन्हीं लोगों के लिए तो हम यहाँ जूझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। उधर हरी भाइयों भी फोन नहीं उठा रहे हैं और अम्मा चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कहाँ मर गया हरी कुमार। ना मरा नहीं है वो, हम अभी उसको फोन लगाते हैं। बोलिए। वाह रईस जादे, आपकी बहन फोन करके पूछ रही थी कि आप जिंदा हैं कि मर गए। मर गए हैं, मुर्दा फोन उठा रहे हैं, बताइए क्या लाए नरक से आपके लिए। बस साले कमर टूट गई, अकड़ नहीं गई तेरे। वही है ना, गुलामी फितरत में नहीं है हमारे, आपकी तरह। आपकी तरह बेटा, बाप की तरह हो भी नहीं सकते। फाके वाले दिन आएंगे ना तो बाप को फोन किया कर लेना, समझ रहे हो, 10-20 भेज देगा। नहीं तो अपनी अम्मा को तो कर लो, वो सूख रही है तेरे चक्कर में। घर ही तो जा रहे हैं, गपिया लेंगे जितना गपियाना है। हेलो, काट दिया। इस साले नालायक औलाद बिना भगवान किसी किसी को देता है। ये फार्म हाउस और इसकी 300 एकड़ जमीन सिर्फ आपके हिस्से नहीं लिखी जा सकती, आपके दोनों छोटे भाई गजेंद्र और वीरेंद्र का भी इसमें बराबर हिस्सा होगा। इस वसीयत में मैंने फार्म हाउस और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिए हैं, लेकिन एक शर्त पे कि तुम अपने डूबे हुए बिजनेस को ईमानदारी से फिर से ऊपर उठाओ। तुम्हारे पिता ने राजपथ में मुझे खास कहा था कि मैं बेशक वसीयत बना लूं, लेकिन सारे कागजात मुझे आखिरी वक्त पर ही देने चाहिए।
हेलो सर, इंस्पेक्टर आदित्य माने हैं। फ्राइडे शाम को कोई प्रतीक कक्कर आपसे मिलने आया था? यस। किस काम के लिए आया था सर? कोई पेपर्स लेके आया था। वो पेपर्स आपके पास हैं? हाँ, ऑफिस में। क्यों? ईमेल करवा देंगे या किसी को भेज कर मंगवा लूं? एनी प्रॉब्लम? जी सर, मिसिंग केस की FIR रजिस्टर हुई है। 2 दिन से घर नहीं पहुंचा, ट्रेस नहीं हो रहा है। ओह, वेरी सैड टू हियर। कुछ पता चलो तो हमें बताइएगा। सर, आपकी कोऑपरेशन लगेगी। एनी टाइम सर। क्या नाम बताया आपने? आदित्य माने। सी यू सर। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो? फोन कर रहे हैं सर, लेकिन नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। किसको? वही ओल्ड बॉस। पेमेंट प्रॉब्लम, नॉट गेटिंग इट। निकलो निकलो यहाँ से। वो क्या है सर कि पूरे घर का वाईफाई कनेक्शन इसी कुएं के पास मिलता है सर। तुमसे कहा ना वहां जाके फोन करो। कोई कारण सर? हमें कारण है। ठीक है, गेट आउट। अरे आउट आउट। साल से लॉयल सर्वेंट हूँ इस घर की। सच कसम, कभी भी चोरी का ख्याल नहीं लाया मन में, लेकिन अभी ना। गरीबों की मदद ना अमीर कभी नहीं करते, उनकी तिजोरियां करती हैं। और ये कुछ चोरी थोड़ी है, ये तो आपकी जरूरत है अभी तो। कैरी ऑन, ओके फॉर मी, ओके। मेरे को तो लगा था मैं अकेली है, लेकिन मेरे को पार्टनर मिल गया। पार्टनरशिप का स्टैम्प 50-50। बहुत है, बहुत है। बड़े लोगों की बड़ी फिकर, छोटे लोगों की छोटी फिकर। बड़े लोगों की बड़ी फिकर, छोटे लोगों की छोटी फिकर। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल, माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। ओ, भूल जा तू सबको, भूल जा तू सबको, रह खुद पे निर्भर। Mind your business और आगे निकल, mind your business और आगे निकल।
प्रभु जी की लीला समझ में न आई रे। करे किसकी धुलाई कई ढेरों कमाई रे। किसी को देना ढेला कहीं धन का मेला, किसी को देना ढेला कहीं धन का मेला, थोड़ी तो पड़ जाए किस्मत की नजर। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। हाय हाय। हेलो। नो नो नो, यू हैरी राइट? अंतरा पहचाना? मनीष जी जी। कैसे हो? ठीक ही है, आप कैसे? गुड गुड। लिफ्ट चाहिए कहीं तक? हाँ जी, स्टेशन तक छोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। कम कम कम। दिल में फकीरी पर धन की तो चाहत है, करते जो चोरी वो अपनी एक आदत है, दर बदर लगाते किस्मत के चक्कर, जेब से तो खाली है फिर भी अकड़, फिर भी अकड़। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल, भूल जा तू सबको, भूल जा तू सबको, रह खुद पे निर्भर। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल, माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। औकात में रहो तुम अपनी, उठा के कुएं में फेंक दूंगा। भाई मेरे मालिक, मैं कुआं देख के ना यादों में भटक गया था। सर आगे से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर यू गॉट इट? यस सर। धर्म जी, जिधर खड़ा है उधर ही रोक, अंदर आने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि गलती तेरा नहीं है, गलती मेरा है जो मैं तेरे पे ट्रस्ट किया। मैं गधे की तरह तुम पर पूरा विश्वास दिखाया और फंस गई। अरे मैडम जी, फंसी कहाँ है आप? चोरी करके फंस गई। जिंदगी भर बहुत ईमानदारी से काम किया हर जगह, 10 साल से इधर काम कर रही है, कभी गलत करने का सोचा नहीं। पहली बार सोचा, ट्राई किया सिर्फ सोचने का कि कैसे चोरी कर सकते, और पकड़ी गई वो भी तेरे जैसे चोर के हाथों, इडियट साला। मैडम आप प्लीज भावुक मत होइए। जब भी मेरा ना लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है 18 साल की, बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है। तेरे को मालूम है उसने अपने बलबूते पर ना स्कॉलरशिप लिया है अमेरिका की यूनिवर्सिटी का। पढ़ाई का तो हो जाएगा रे, लेकिन ये उधर जाने का, उधर रहने का, खाने का 10-12 लाख का जरूरत है। ये साला बर्तन भांडी करके और खाना बनाके क्या 10 लाख रुपए आता है क्या? तो मैडम जी, आप इतने बड़े घर में काम करती हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो सो कॉल्ड अमीर आदमी से आप पैसे क्यों नहीं मांगती? वो करेंगे हेल्प? जब पैसे का बात आता है ना तो कोई अपना नहीं होता है, मालिक मालिक रहता है, नौकर नौकर रहता है। तो क्या मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकती है? वो मेरे जैसा काम नहीं करेगी, वो पढ़ेगी, अमेरिका भी जाएगी, और उसके लिए मेरे को जो भी करना है मैं करेगी, देखना तू। मैडम जी, हमारे बाबूजी कहा करते थे ना कि जरूरत के समय बड़े फ्रेश फ्रेश आइडिया। अरे मेरे बाप, तेरा आइडिया नहीं चाहिए यार, तू वैसे ही गोबर कांड करने में माहिर है, प्लीज मेरे को छोड़ दे। मैं बहुत नानी नानी। अरे ये तो नानी। हाय नानी। ओह माय डार्लिंग अंकुरा। हाय।
तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। I miss you, नानी। Wait, 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 wait. ये मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। It'll keep you nice and warm, नानी। Oh, darling, it's gorgeous. You like it? No, 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 no. No, my dear baby Antra. Social distancing, please. सॉरी मामा जी। अरे सॉरी किस बात की? क्या वो अपनी नानी से भी एक स्ट्रेंजर की तरह मिलेगी? माँ, करोना ममता नहीं देखता है, सीधा पकड़ता है। मामा जी, डोंट वरी, मैंने सारे टेस्ट करा लिए। दैट्स गुड। वेट, मैं ना अपना फैशन बुटीक बंद करके ही आ गई। जो भी असाइनमेंट थे ना यहीं ले आई। मास्टर जी को भी साथ ले आई। मास्टर जी? उसका ना हैरी नाम है। वेरी स्वीट बॉय। और फर्स्ट क्लास टेलर है। मेरे सारे गार्मेंट्स ना बहुत अच्छे बनने वाले हैं। ओ देयर ही इज। This is my sweet darling nani. Shashtang pranam nani ji. Shashtang pranam. Aisa lag hi nahi raha hai ki hum pehli baar mil rahe hain kyunki raaste bhar Antra madam ne aapki baatein ki. Sari tareefe, takleefe, baatein sab bata di. Madam aapne bataya nahi. Aap to bol rahi thi apne ghar le ja rahi hain, ye to aapka mahal hai. Mera mahal nahi hai. Meri queen nani ka mahal hai ye. To ek hi baat hui na ji. नानी का महल आपका महल। आपको भी प्रणाम सर। प्रणाम। कोई भूल चुक हो तो एडवांस में माफी मांग रहा हूं। अच्छी व्हाट हैपेंड माय ट्रबल शूटर? मुंह क्यों लटका है? Is everything all right? ट्रबल तो शूट होगा मैडम। क्या मतलब? तब हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यार ऐसा क्यों बोल रहे? ये जो दो नए मेहमान है ना, अंतरा की बात कर रहा है? अरे डोंट वरी, अंतरा इस घर का बेबी है। हर साल आती है वो, आई टेक केयर ऑफ हर। अंतरा नहीं, अंतरा के साथ जो मुखड़ा आया ना, पता नहीं, डोंट नो, मुझे वो करोना टाइप लग रहा है। करोना टाइप? वो गधे का बच्चा? मच्छर की तरह मसल देंगे उसको, क्या घबराता है। बेनी मासी, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। लुक एट यू, मुझे ऐसा बना दो। अरे बट यू ऑलरेडी सो हॉट। ये कौन है? ये काका है, नया कुक। कुक ही बोल रही थी, काका बोलने से क्या? हेलो काका, अंतरा। अंतरा हाय। ओके कूल। अच्छा काका, आज ना नानी के साथ मेरा बहुत स्पेशल लंच है, तो आप क्या खास बनाएंगे? भरता बना लूं, मतलब कीमा, मतलब आप बोलो। काका जो भी बनाएगा बहुत अच्छा बनाएगा। फिर काका। ओह नाइस, तो एक सेकेंड। ओ हैव टू गो। ओके ओके, मैं आती हूँ। थोड़ी जूस भेजो प्लीज। ओके ओके। जेपी तुम बहुत सही बोल रहा था यार, ग्रैनी के कमरे में बेबी भी आ गई है, अपन कैसे करेंगे? अबे बेबी छोड़, बबुआ की सोच। हेलो। प्रणाम नानी माँ जी। प्रणाम सबको, प्रणाम। बेनी इनको स्टाफ क्वार्टर में ले जाओ। जी सर। अब खाना खिलाओ। खिला दो। नो नो हैरी प्लीज, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। नो इट्स फाइन, मैं बैठो। मामा
हैरी नौकर नहीं है, ही इज अ डिजाइनर आर्टिस्ट है वो। अरे आप लोग मनीष मल्होत्रा को जानते हो? तो वो मुंबई में उसी को असिस्ट करता था। मुझे ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए हेल्प चाहिए थी थोड़ी, तो मेरे इनविटेशन पे यहाँ आया है। मुझसे नौकरी मांगने नहीं आया था मामा। मनीष मल्होत्रा जी? नहीं सर, असिस्टेंट। बैठिए बैठिए, आर्टिस्ट हैं। तो मनीष मल्होत्रा जी ने आपको निकाल दिया था? नहीं नहीं नहीं, निकाला नहीं जी, हम खुद ही निकल गए। वो कोरोना आ गया ना सर, तो बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग निकल लिए गांव की तरफ, हजारों मजदूरों की तरह। माता रानी का करिश्मा देखिए, जाना था कहां, गांव की तरफ, और आ गए यहां जन्नत में। मेरा मतलब नानी के चरणों में। वाह, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ एक ही टेबल पे इतना छोटा सा आदमी, वाह। अच्छा बच्चे, फिर ये बताओ कि बड़े लोगों में और छोटे लोगों में फर्क क्या होता है? नानी जी, वैसे तो मैं कोई फर्क नहीं मानता, लेकिन अगर कुछ फर्क है तो वो सिर्फ दिल का है। जिसका दिल बड़ा वो इंसान बड़ा, और जिसका दिल छोटा वो इंसान छोटा। बाकी तो सब बैंक बैलेंस है जी, ऊपर नीचे होता रहता। क्यों सर? तुम्हारा परिवार कहाँ है? सर वो तो कोरोना में सब तितर बितर हो गया सर, मैं बच गया एक कबूतर, यहाँ पे आ गया गुटर गुटर। कबूतर और कौवे दोनों आते हैं। थैंक यू। अरे मैं जयप्रकाश है इनका नाम। यू नो बैनी मासी बता रही थी, ये बहुत अच्छा बनाते हैं खाना। हाँ ये ना बेचारा अकेला, इसका भी कोई नहीं है, ये बैचलर काका, ये भी इधर आ टपका। Are you okay? Don't pop over here. Benny, take him away quickly. Yes, ma'am. Papa, लेके जाओ इन्हें। जी 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 जी। पालक पनीर में। I'll take care of him. I'll take. Come this way. This way. This way. आप इधर इधर। आप भी माता जी। कॉकरोच भी आ जाए आप उससे भी बातें करने लगे। यू शुड बी केयरफुल नो। क्या हुआ जेपी, किधर मुंह काला करके आया जो इतना धो रहा है? दिखा, अरे क्या हुआ तेरे चेहरे को, ऐसा पटाखे की तरह फूट गया है जैसे तेरे धोती में कीड़ा घुस गया है। हाँ घुस गया है, करोना का कीड़ा घुस गया है, करोना का कीड़ा घुस गया मेरे अंदर, मुझे बचा। एक मिनट, क्या बचा लो, किससे बचा लो, हुआ क्या है? मुझे मुझसे बचा लो, मैं डर गया हूं और तुम मेरी पार्टनर हो। अरे छोड़ जेपी, हट जा नहीं तो ना दो टांग के बीच में। अबे करोने, अरे जेपी माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हे बॉय, हाउ एम आई सपोज्ड टू हेल्प यू? यस मैम, मैं बस इतना कहने आया था कि ये जो भाई साहब हैं जो पकाते हैं, इनसे कहिए कि पकवान में थोड़ा सा कम मिर्च मसाला डालें। वो क्या है, कुछ चीजें ना हजम नहीं होती हैं मुझे। जेपी स्पाइसी फूड। अबे नरम पेट, माफी तो मांग रहा हूँ बच्चों की तरह, ऐसे देख गले लग के आप कहाँ घुस जाऊं? देख रहा हूं ये जो बच्चों की तरह हरकतें हैं, बैचलर की तरह हरकतें हैं। नासमती रख, ए तू इधर आ, पागल हो गया क्या? जब देखना करोना तो नहीं हाथ डाल, वापस से मेरी टांग खोनी है यहाँ। बेनी मौसी? यस बेटा। आई नीडेड अ फेवर। हाँ वो जो हैरी आया ना मेरे साथ, उसके लिए आप ऊपर वाला कमरा खुलवा दोगे? ओके। हाँ यस। मेरे रूम के साइड वाला? यस यस यस। ओके
दर्जी से भी बुरी हालत है मेरी, मतलब उसके उसके बराबर भी दर्जा नहीं है मेरा। Don't worry my baby, मेरे साथ रहेगा ना तो तुम्हारा दर्जा बढ़ जाएगा। एक बार और बोल दो। और हाँ, जिसे तुम अपने साथ यहाँ ले आई हो, हैरी। Okay, I'll tell you. हम ना पहले डिजाइनिंग शोज में मिले थे, एंड व्हेन आई वाज कमिंग हियर ना, वो मुझे बस स्टॉप पे मिला, राइट राइट टाइम पे, राइट टैलेंट मिला, तो आई ब्रॉट हिम अलोंग। तुम इतनी जल्दी लोगों पे भरोसा करने लगती हो बेटा। ब्यूटिफुल हैंड्स नानी, नानी तुम्हें मेरी कसम तुम ना नहीं बोलोगी। दिस इज जस्ट अ स्मॉल गुड लक चार्म। नानी, you are my good luck charm. Okay, I'll accept it, but I promise to make you so proud. I am already so proud, sweetheart. Come in. क्या बोला? English नहीं आती है क्या? Come in. ओ बेटा, अपने बाप को English सिखा रहा है? हरि कुमार, अपने बाप जयप्रकाश से रिश्ता जोड़ ले, वरना बता रहा हूं पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तू कोई फैशन वैशन डिजाइनर नहीं है, समझ रहा? बोल, खोलूं पोल, उतारूं धोती? उतार दूं? उतार दो। वो क्या है ना, हमारी धोती उतरेगी तो पजामा आपका भी फटेगा, पता लग जाएगा इन लोगों को कितना लंबा चौड़ा परिवार है आपका, बैचलर काका और हाईवे के बड़बूजे ढाबे का मामूली बावर्ची, यहाँ शेफ बने हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, साला हाउसकीपर पे हाथ साफ कर रहे हो। चुप, चुप, खड़े खड़े, तेरी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है तेरा यहाँ आने का? आपका क्या है इंटेंशन, क्या चक्कर चलाए हो? मेरा क्या है, पैसे कमाऊंगा तेरी बहन के लिए, तेरी माँ के लिए, तेरे घर के लिए, तेरी मुसीबतों के लिए। झूठ बोलकर, कुक बनकर ये सब ना होगा। सुनो हमारी बात, आपके लिए बढ़िया रहेगा, बोरिया बिस्तर बांधो अपना और निकलो यहाँ से। और तुम क्या यहाँ फार्म हाउस खरीदोगे? हमें अपना भविष्य दिखता है यहाँ पे, ये लड़की के फैशन बिजनेस में ना मैनेजर बन सकते हैं हम, और तकदीर बढ़िया रही तो लाली को, माँ को, नाना को खेती छुड़वाएंगे, गांव से ले जाएंगे बंबई और रखेंगे टॉप फ्लोर पे, हम नीचे सर्वेंट क्वार्टर में। घंटा भविष्य देख रहा है इनको, अबे साफ साफ क्यों नहीं कहता रईस की लौंडिया पे डुबे डॉलर तू? तो गलत क्या है, गलत क्या है इसमें? हम जवान हैं, थोड़ा सा हैंडसम है, काम भी अच्छा करते हैं, कारीगर हैं, शर्म करो आप। माँ वहाँ गाँव में करवा चौथ का व्रत रखी है, आप यहाँ रंगलियाँ मना रहे हो, हैं? वो बेनी के साथ चिपट चिपट रहे हो, पिताओ यार परिवार के। क्या जमाना आ गया है, पिताश्री को पुत्रश्री बता रहे हैं जिंदगी जीने का तरीका। तो बताएंगे ना, क्योंकि अभी पुत्रश्री पिताश्री के पिताश्री बन चुके हैं। पुत्र हमारी नजरों में देखो, इज्जत से बात करो हमसे, क्या समझे? समझ गया, बैठ चुके। अरे हम काहे बैठे हो, अरे हम क्या कर रहे हो यार? अब बताओ क्या करें, अजीब अजीब से सवाल पूछता है, कह रहा है पिताश्री दशरथ को पुत्रश्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं कि भैया राम जी वनवास गए तभी तो सबूत मिला ना कि वो एक अच्छे पुत्र थे, क्या सोचती हो बेटी तुम? जो आए दिल में बोलो। काका ये सब सत्यु की कहानी, सत्युग की कहानी है, हम कलयुग में है, इसी फार्म हाउस में आपको बड़े सारे सीन्स मिल जाएंगे। सो तो है बेटा, इस फार्म हाउस में एक से एक सीन देख रहे हैं, देख रहे हैं। राम राम राम, अल्लाह बचाए इस घर को। अच्छा हैरी, बहुत काम करना है, 10 ड्रेसेस बनानी, मैंने ऑलरेडी एडवांस ले लिया। नहीं तो आप तो टेंशन लो ही मत, आप बस डिजाइन बताओ, मैं आपके डिजाइन देख रहा था, क्या बढ़िया डिजाइन बनाते हो। थैंक यू। आप बस बताओ कौन सा डिजाइन बनाना है, मैं कॉपी मार दूंगा। हाँ। कॉपी मास्टर हूँ मैं। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। हाँ तो है ना, आपके पास अकल है, हमारे पास नकल है, वाह।
क्या टीम बनेगी, जबरदस्त दिखाओ। अच्छा इससे प्लीज शुरू करना, क्योंकि इसमें ना यहाँ डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है? बदबू आ रही है, काफी सफाई करानी पड़ेगी कुएं की। जी सर। यस सर। ये पुलिस वाला क्यों आया था? वो देवपाल से पूछ रहा था कि रात को लॉयर की गाड़ी कब आई और कब गई। तो देवपाल ने कह दिया कि वो एक गाड़ी में बैठकर आया था, फिर सुबह उठ के जब उसने देखा तो गाड़ी वहां पर नहीं थी, शायद वो गाड़ी में बैठकर चला गया था। Now what? जी सर। तब मेरे सामने पड़ी टेलीकॉम कंपनी से आई प्रतीक की कॉल लॉक सीट्स, यही कहती है कि रौनक सिंह की मीटिंग के बाद उसका कोई कॉल रजिस्टर नहीं हुआ है। ओके। यानी या तो वो किडनैप हो गया या उसका मर्डर कर दिया गया। नीड टू इन्वेस्टिगेट। यस बट डू इट फास्ट। जी सर। मेरी नजर फार्म हाउस पर भी है सर। केस इज सीरियस। पुलिस की इंक्वायरीज तो चारों तरफ से हैं। ओह Your brother Gajendra is on video. Shall I decline or I'll tell him कि तुम यहाँ पर हो ही नहीं? Let him see that I am very much here. मैं जानता हूँ कुछ रस्सियाँ ऐसी होती हैं जो जल जाती हैं, मगर उनकी अकड़ नहीं जाती। तो इस जली हुई रस्सी की अकड़ का क्या करोगे आप? छोटा भाई क्या कर सकता है भैया? बस राय दे सकता है। और राय यही है कि अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। जेल भी इंसानों के लिए बनी है। एक छोटे भाई होने के नाते बड़ी खूबसूरत सलाह दी है आपने। थैंक यू। ऐसा नहीं है भैया, पुलिस मुझे बार बार फोन करके बोर कर चुकी है और एक ही सवाल पूछती है कि उस रात मैं कहां था। अब कितनी बार एक ही जवाब दूं? और अपने वो वकील साहब प्रतीक जी, उनका कोई अता पता नहीं। भैया आई एम योर ब्रदर, यू हैव टू ट्रस्ट मी। मर्डर किया है तो बताइए ना मुझे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अपनी अच्छी खासी बिसात बिछी हुई है। होशियार तो तुम बहुत हो, फिर तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं आई कि अगर मैं प्रतीक का मर्डर कर सकता हूँ तो तुम्हारा भी कर सकता हूँ। क्या बात है, शाबाश, स्पोकन लाइक अ ट्रू ब्रदर। आप कुछ नहीं, एक हारे हुए पिटे हुए जुआरी हैं। बिजनेस किया ठप हो गया, शादी करी टूट के बिखर गई, और बच्चे हुए जो आपसे नफरत करते हैं। आप खाक हो चुके हो भाई। यू बास्टर्ड। सब खो दिया है मैंने, हासिल करूंगा सब कुछ, अब मैं मरूंगा या तुम मरोगे। साहब मैं वो दीवार हूं जिसके कोई कान नहीं होते साहब। भाई बहन, बहन भाई के झगड़े चलते थे साहब, लेकिन आप भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आपकी आत्मा को भी। मैं तो शांत हूं, शांत हूं, शांति हूं। एक मामा, दो मामा, तीन मामा, लेकिन तीनों सीधे मुंह बात ही नहीं करते। गजेंद्र मामा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पैसों से ही उनकी सांसें चलती हैं। वीरेंद्र मामा बहुत गंभीर है, लेकिन अपनी बीवी मिथिका मामी के गुलाम हूँ। यस मैम। नो मैम। ओके जी मैम। नो। मिथिका मामी बैंगलोर में कैसीनोस चलाती, श्रूड वुमन। हम ना उन्हें स्पाइसी मामी बुलाते हैं। रियली। और रौनक मामा से तो तुम मिली चुके हो। ए सोशल डिस्टेंसिंग, सब सोशल डिस्टेंसिंग। मैडम जी, आपने सब रिश्तेदारों के बारे में बताया पर अपने माँ बाप के बारे में नहीं बताया।
स्मॉल स्टोरी ऑफ अ ब्रोकन फैमिली. 14 साल की थी, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली. एक अमेरिकन से शादी की थी तो वो अमेरिका ही चली गई. पापा हॉस्टल का खर्चा उठाते थे, पर फिर एक दिन तंग आके उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली. दोनों ने कर ली शादी और यहाँ हो गई बर्बादी. तो बस अब नानी के सपोर्ट से घिसट रही हूँ. मैं तो कोई पूछता भी नहीं है मैं कौन हूँ. I'm sorry. By God, आप ऐसी दर्द भरी बातें भी हंस के कैसे कह लेते हो? आप ना एक दिन बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट डिजाइनर बनेंगी. मनीष मल्होत्रा से बड़े बनेंगे आप. हम मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, तुम इसके नौकर हो, उसी तरह बिहेव करो. अगली बार अगर साथ देख लिया, आखिरी दिन होगा तुम्हारा. नाउ गेट आउट. गेट आउट. मामा. शट अप. मामा. शट अप. अपसेट नहीं, बैटरी डाउन है. यू नो मामा ने तुम्हें मेरे नजदीक आने से मना किया ना, पर मुझे से तुम्हारे नजदीक आने से मना नहीं किया. ना ही कर सकते हैं. मैं हूं ना तुम्हारे साथ. चलो फ्रेंड्स. ये हुई ना बात. स्माइल यार. ठीक है. आप इतने स्वीट हो, आप मेरी बैटरी चार्ज कर देते हो. नानी, पता क्या बोलनी थी वो तुम्हारे बारे में, कि तुम एक बहादुर लड़के हो. पता है इस घर में एक ही अच्छी चीज है, नानी. है ना? कल रात को जब वो पियानो बजा रही थी ना, तो मुझे शब्द आ रहे थे दिमाग में, गुनगुना रहा था मैं, पोएट्री बन रही थी. सुनाना था ना उनको? नहीं, अभी अधूरी है पोएम. मैं पता है और क्या अधूरा है? हमारा काम. चलो इस हफ्ते 3 गार्मेंट्स बनाने हैं. ठीक है. हेलो. हेलो. ओ बेटा बटकुनाथ, पड़ गया कलेजा ठंडा. ये जो डोरे डाल रहे हो ना इस खानदान की लौंडिया पर, इसी डोरे में फंसा के मामा तुम्हें फांसी पर लटका देगा. कंस मामा है. अरे मैंने बड़े मामा देखे ऐसे. हरी, ये फैब्रिक यूज करना तीसरे वाले. ओह सो नाइस. वो कंस मामा की कहानी सुनना चाह रहा था. मतलब कंस को किसने मारा, कंस ने किसको मारा. कंस मामा क्यों? अरे मतलब हम लोग गांव के लोग है ना. बस कहानियां बनाते हैं, सुनाते हैं एक दूसरे की. हाँ, मजा आता है. हाँ, मुझे भी मजे करने हैं. बताइए ना कभी. हाँ तो कंस मामा जो थे. दूध जल रहा है किचन में. दूध जल रहा है, आप देखिए जाके. अच्छा. हाँ मेरे को नहीं आ रही कोई स्मेल. नहीं आ रही है तो. आ रही है. अरे ये कंस कंस करके पकाता रहता आदमी. कट कर देता हूँ मैं उसको. मत करो उसको एंटरटेन. वैसे मेरे भी 3 कंस मामा है. ये वाला सबसे खतरनाक है कि बाकी दोनों इससे भी ज्यादा. चल जाएगा ना तुम्हें पता. लेस लेके आती हूँ. Here it is. प्रॉब्लम नंबर 3, तुम्हारे भाई की बीवी मिथिका. भैया बोलू या सैया? दोनों में ही कंफर्टेबल हूं मैं. बहुत दिनों बाद याद आई. वो क्या है ना कि आपके भाई साहब और मेरे प्रिय पति देव बीरेंद्र जी बहुत नाराज हैं.
माँ की तबीयत खराब हुई और आपने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। साफ साफ कहो ऑनलाइन में क्या कहना है। प्रतीक कक्कड़ तुमसे मिलने आया और फिर लौट के तुमने उसे जाने नहीं दिया। कहाँ जगा रखा है? अब आई ना मसले पे। एक काम करो, पुलिस को फोन करो। अरे पुलिस तो ऑलरेडी हमें फोन कर चुकी है। करो तुम और भरे हम। नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन। अब फैमिली हो इक्वली भरना पड़ेगा ना। मैं ही बदनसीब क्यों? अच्छा मैं ठीक हूँ, माँ ठीक है, कुछ और कहना है या कट करूँ? कट तो मैं नहीं करने दूंगी भाई साहब, लेकिन हाँ जोड़ने का काम जरूर करने आ रही हूँ। तैयार रहिएगा, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय माय डियर रौनक सिंह जी। मौसम भी ऐसा है, मंजर भी ऐसा है, तेरी भी मंशा है, मेरी भी मंशा है। तो हो जाए मोहब्बत, 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 मोहब्बत। तो हो जाए मोहब्बत, 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 मोहब्बत। सोने की दीवारों में चांदी के दरवाजे घुटे अरमान है, दबी दबी आवाज़ें। शीशे जैसा दिल तेरा, उसमें भी तूफान है। कहीं हो न जाए कयामत, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। कहीं हो न जाए कयामत, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। चंदा बाज रहे मंजिरे, चांदनी के पैरों में बांध रहे जंजीरे। कुछ मैं भी बावरा हूं, कुछ तो भी बावरी है। तो हो जाए मियामत, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। तो हो जाए नियामत, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। मौसम भी ऐसा है, मंजर भी ऐसा है, तेरी भी मंशा है, मेरी भी मंशा है। तो मोहब्बत, 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 मोहब्बत।
मोहब्बत 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 मोहब्बत। सामान मान लो और निकलो यहां से एक घंटे के अंदर, वरना कबर खोद के गाड़ दूंगा। गेट आउट नाउ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे मालिक। दूंगा कौन के नीचे? बड़ों से जुबान लड़ा था, मालूम है कौन है? बड़े लोग हैं, कोई एड़म गड़म नहीं है। सर बच्चा है सर, हम भी कभी बच्चे थे, माफ कर दीजिए सर। और तू चल निकल अपने गांव को। यानी जी सर घर में पुलिस की रेड पड़ी है। पुलिस वो पूरे फार्म हाउस की तलाशी ले रही है। लेकिन क्यों? मालूम नहीं मैडम। रौनक को बुलाओ। रौनक मामा को बुलाओ ना। रौनक मामा, क्या बदतमीजी! अगर आपको लगता है पटरी का मर्डर मैंने किया है तो अरेस्ट मी। डोंट यू अंडरस्टैंड? मां की तबीयत ठीक नहीं, आप इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। सर प्लीज डोंट सॉ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इस बार सर्च वारंट निकला तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको भी समझना होगा, लॉ इज लॉ। व्हाट इज? हेलो, हाँ नहीं मां से को पुलिस वाले मुझसे मिलने आए ऐसे। शिंदे तू टेरेस पे जा, पाटिल गार्डन चेक कर, और तू पीछे गैरेज जा, फावा उसका एक एक कोना छान मारो। कोई बॉडी मिली क्या? सर अंदर बॉडी नहीं दिख रही है। वो तुम्हारे पीछे देखो, पीछे। सर पीछे भी नहीं है। राइट जाओ, राइट। अच्छा थोड़ा आगे आओ, थोड़ा और आगे। मिला क्या कुछ? नहीं सर कुछ नहीं मिला। कुछ तो हुआ है। हेलो सर, सारा सर्च कर लिया है पर फार्म हाउस में कुछ नहीं मिला। ठीक है वापस चलो। सर हम वापस जा रहे हैं, यहां वापस आने के लिए। प्रतीक यहां आया था और यहीं रह गया। उसे डुबा दिया, जला दिया, मार दिया या छिपा दिया, इन सभी सवालों के जवाब लेकर जल्दी मिलेंगे। आशा है आप हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। थैंक्स सर। आपको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप इतने परेशान क्यों हैं? और शक है या यकीन है ये हम आपको वक्त आने पर बताएंगे। टिल देन गुड नाइट एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। ध्यान रखिए अपना। सर ये आप भूल गए थे। सर सर हमें ना सिखाया जाता है कि बॉस अगर प्रॉब्लम में हो तो प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। हर प्रॉब्लम में मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। नानी प्लीज डोंट टेल मी अंडरस्टैंड डॉक्टर, इट्स क्वाइट अर्जेंट, सो अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो हमें दे देंगे ना आप? नानी मासी किसी का लगा? ट्राइंग, यस, थैंक यू। डॉक्टर अरोरा इज आउट ऑफ टाउन। चतुर्वेदी को फोन लगाओ। जी जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। जब मैंने क्लियरली बताया है कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है
Why is no one following that? आज 85 साल की उम्र में पैनिक अटैक आना बहुत डेंजरस है. She can collapse any time. साफ दिख रहा है अपनी लापरवाही से तुम लोग ओल्ड लेडी को मार देंगे. You're absolutely right. आज से नानी की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं ही आपसे रेगुलरली टच में रहूंगी. थैंक यू. मैडम जी कुछ चाहिए था? ये फैमिली मैटर है, तुम बाहर रहो. मामा जी आप हैरी की इंसल्ट करना बंद करेंगे प्लीज. हैरी नानी के लिए फैमिली मेंबर जैसा ही है. हैरी प्लीज कम, मुझे नानी की केयर के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए. अंतरा ये बाहर के लोगों का फैमिली में मिक्स होना ठीक नहीं. आई डोंट लाइक दिस. ओके सर, आप बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा. सर नहीं, हम चले जाते हैं. वेरी स्ट्रेंज, बॉडी तो यहां है ही नहीं. कपड़ा अभी टला नहीं है और बढ़ गया. पुलिस वालों से क्या बात हुई तुम्हारी? जो कल आए थे बहुत अनबन सवाल पूछ रहे थे. मतलब पता नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आया, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे? ऐसे बड़े लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं. कोई भी हरकत हो मुझे बताना, ठीक है? लेकिन देखिए ना सर, एकदम साफ पानी है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं. तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो, चलो. यस सर, बेनी की तरफ से कॉल है. हाँ बेनी. सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू, बट अंतरा बेबी कह रहे थे कि उनको BMW कार है ना ग्रैनी की, उनकी चाबी चाहिए. किस लिए? वो कल देवी का टेंपल में जाने वाले हैं सर, सब मिलके. किसके साथ? एज ऑफ नाउ तो वो अंतरा बेबी, हैरी, ग्रैनी एंड जूही. गाना तुम अच्छा गा लेते हो. थैंक यू नानी माँ. आप पियानो बजा रहे थे ना, तो उसमें से मैंने उल्टा सीधा गीत बना लिया. एक बात बताओ, ये मनीष मल्होत्रा बड़ा बना कैसे? उनका बड़ा होने का एक ही कारण है, उनकी नानी माँ. हाँ, उनकी नानी जी ने उनको इतना सपोर्ट किया ना, इतना सपोर्ट किया. उनके अंदर टैलेंट तो था, लेकिन बिजनेस को धक्का देने के लिए नानी जी ने उनको पैसा दिया. कहानियां आप बहुत अच्छी गढ़ लेते हो तुम. कहानियों में ही तो बड़ा हुआ हूं मैं नानी माँ. प्रतीक कक्कर फार्म हाउस में नहीं था तो गया कहां? और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि जो गाड़ी बाहर खड़ी थी वो प्रतीक कक्कर की नहीं थी. यस सर. सर प्रतीक की गाड़ी का नंबर है NH6536 SUV है सर. सर उसके भाई का कहना है कि इस नंबर की गाड़ी उस रात उसी के पास थी, उसके फादर के हॉस्पिटल जाने के लिए. तो प्रतीक कक्कर फार्म हाउस किसी और की गाड़ी से आया था. पर सर फार्म हाउस की सिक्योरिटी के मुताबिक जो गाड़ी रात में आई थी वो सुबह नहीं थी, तो उसमें प्रतीक था या कोई और ये मालूम नहीं. गेट मी रोड साइड CCTV रिपोर्ट अगेन. ओके सर. परवार लॉ कंपनी के वकील प्रतीक कक्कर को आज लापता हुए पूरे 21 दिन हो गए हैं. खारगांव पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है. हालांकि प्रतीक कक्कर के भाई प्रहलाद कक्कर का ये दावा है कि प्रतीक मिसिंग नहीं है, उनका कत्ल हुआ है. अब आगे ये कैसी चुनौती है? कत्ल हुआ है तो कातिल कौन? लेटेस्ट न्यूज़ सुनी तुमने? गज्जी, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू द फार्म हाउस. बिल्कुल. माँ को रौनक के नाम की विल बदलना जरूरी है बिफोर शी सेज बाय बाय टू द वर्ल्ड. मैं कल जा रही हूँ, जाके सबकी हेल्थ ठीक करती हूँ.
क्या चाहती हो? You're so innocent, Maa. इस फार्म हाउस में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने भी आपको जरा भी खबर नहीं लगने दी। रौनक भैया पे एक बहुत बड़ा चार्ज, पुलिस उनके ही सुनते नहीं, नहीं, नहीं। पुलिस यहाँ आई थी और उनको कुछ नहीं मिला। माँ, मेरा शायद इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्योंकि आपको हम पर भी विश्वास रखना होगा। रौनक भैया की गलतियों की वजह से हम सब फंसेंगे। आपको पता है गजेंद्र भैया के बेस्ट फ्रेंड जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने गजेंद्र भैया को बताया कि रौनक भैया के ऊपर एक लॉयर के मर्डर का चार्ज है। हम सब आपके बच्चे हैं माँ, आपको हम पर भी विश्वास रखना होगा, ना कि सिर्फ एक बेटे पे। मिथिका, मैं फैसला कर चुकी हूँ और ये फाइनल है। तो ये फार्म हाउस आप उसको दे दोगे और हमें कुछ भी नहीं? हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है। ये तो एक माँ का सही फैसला नहीं हुआ ना माँ? तो फिर क्या होता है माँ का सही फैसला? माँ की सभी चीजों पे उसके सब बच्चों का बराबर अधिकार होता है। साफ साफ बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आपके दोनों बेटों ने लॉयर्स का एक नया ड्राफ्ट बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी वसीयत में आपके सभी बच्चों का बराबर अधिकार होगा। यही होता है एक माँ का सही फैसला। ठीक है, मुझे दे दो, मैं इस पर भी सोचूंगी। थैंक यू माँ। और हाँ, कल रात हम आपका बर्थडे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके सभी बच्चों के साथ मनाएंगे। मिथिका, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ, ना तो मैं किसी बर्थडे को मनाना चाहती हूँ, और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आ ही गई इमली फार्म हाउस पे। क्यों डरते हो इमली से? दांत खट्टे कर सकती है ना इमली। कच्चा चबा गए थे इस इमली को, भूल गए 7 साल पहले का अपना गोवा ट्रिप। नशे में क्या क्या कर बैठे थे हम दोनों, जेठ भाभी। ब्लैकमेल करने का स्टाइल पसंद आया हमें। चीयर्स। अरे भाई, ब्लैकमेल तो हमें पुलिस कर रही है फोन कर करके, एंड फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाई। देवी जी, अगर आपका और गजेंद्र का ये ख्याल है कि मुझे प्रेशर में ला के आप माँ की वसीयत बदल दो, तो लेट मी टेल यू, बहुत बुरा ख्याल। अगर आपको लगता है कि प्रतीक का मर्डर मैंने किया है, तो लेट मी टेल यू, मर्डर तो आप कर ही नहीं सकते। चाहती क्या? हाथ मिला लो, वरना बफ। तुमसे कितनी बार कहा दरवाजा ठोक के आया करो? सर, दरवाजा खुला था तो किसको ठोकते, कैसे ठोकते हैं? मतलब सॉरी, हम ठोक नहीं पाए, अगली बार आएंगे तो ठोक के आएंगे सर। गेट आउट। बफ। अरे कैसी बेवकूफ नौकर हैं आप महाशय, क्या कर रहे हैं?
ऐसे रूम में चले आ रहे हैं, चलिए बाहर चलिए। बर्फ बाहर चलिए और अगली बार ठोक के आइए। ठोक के जाहिल कहीं के चल। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। तुम भी निकलो, बर्फ प्लीज टेक इट। सॉरी सर, चूतियों से भरा पड़ा है घर। ये फॉरेंसिक ऑफिसर जय शर्मा। आदित्य माने सर। आई नो, प्रतीक कक्कड़ इसी कार में फार्म हाउस गया था ना? यस सर आई नो। अकॉर्डिंग टू अस इस खड़ी गाड़ी में एक नहीं बल्कि दो आदमी थे। रात भर काम करके नानी का शॉल रेडी कर दिया है बर्थडे के लिए। क्या फायदा, रानी पहनने ही नहीं वाली है। वो क्या गया? सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। नानी क्या चाहती है कोई बॉदर्ड ही नहीं है। हो क्या गया? नानी अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती है। मिथिका मामी इन्होंने कुछ तो बोला एंड नाउ नानी इज पिस्ड और वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। सॉरी मैम, हम छोटे लोग सिर्फ चुपचाप देख सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। मैं तो ये सालों से देख रही हूं, बट आई हैव टू स्पीक टुडे। ग्रैनी को सब पता है पर वो कुछ कर नहीं सकती है ना, क्योंकि अब तो कभी भी दम तोड़ सकती है। हाँ जी 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 हाँ, आप तो कभी भी आ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी। प्रणाम नानी माँ जी। हैरी, कोई खास बात? जी बस ये देने के लिए आया था आपको। लेकिन ये तो रौनक का है। लेकिन ये उससे पहले आपके हस्बैंड राजपत सिंह जी के हाथों में हुआ करता था, है ना? तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? नानी माँ, एक बहुत छोटी सी वाहियात सी बात है जो मुझे कहनी थी। ठीक है, बैठ जाओ, आज हम तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। नहीं नहीं, वहां बैठो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ नानी माँ। नानी माँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ और आपको देखा है तो आपको देख के ऐसा मुझे उन रानी महारानियों की याद आती है जिनके बारे में मैं बचपन में कहानियाँ सुना करता था। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्रेव, सो काइंड, बहुत एडमायर करता हूँ आपको। और मेरी क्या हैसियत है? मेरी, मैं जब से आया हूँ मैंने अपनी हैसियत, कहने में अजीब लगेगा लेकिन एक रानी के पाँव के जूते से भी ज़्यादा नहीं समझी। क्योंकि जो जूता होता है वो जब अपनी मालकिन के साथ चलता है ना तो उसे भी गर्व महसूस होता है, फील्स प्राउड। लेकिन जब उस जूते को लगता है ना कि उसकी मालकिन कमज़ोर हो रही है, उसके पैर डगमगा रहे हैं, तो वो जूता भी नर्वस हो जाता है। उसे अपने मालकिन की घबराहट महसूस होने लगती है, चुरमुर सा हो जाता है वो भी।
कहना क्या चाहते हो? नानी माँ, मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप कमजोर हो रहे हो नानी माँ, और ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा दिल कहता है कि मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि अब भी अगर आपने हिम्मत नहीं की ना, अगर आपने अपने दिल की बात नहीं कही, सच का सामना नहीं किया, तो आपको बहुत दुख पहुंचेगा, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आपके पति की आत्मा को भी बहुत दुख पहुंचेगा नानी माँ, और ये नाइंसाफी होगी। जो इतने सालों से इतना सारा दर्द आपने अंदर छुपाया हुआ है ना, उसे आपको निकाल देना होगा नानी माँ, और इन बच्चों के सामने निकालना होगा। इसलिए अंतरा मैडम, मैंने आपकी बर्थडे पार्टी के लिए पूरी फैमिली को बुलाया है ऑनलाइन जूम कॉल पे। आपके बच्चे वहां होंगे, आपके बच्चों के बच्चे वहां होंगे, आप बोल दीजिए, वो सुनेंगे, आपको उन्हें सुनना होगा, आपके दर्द के बारे में जानना उन्हें जरूरी है। इस घर में, इस परिवार में जो जहर फैल रहा है, उसके बारे में उनको जानना जरूरी है नानी। Harry, thank you very much. You may go now. बोल देनी चाहिए। थैंक्स पार्टनर। पार्टनर? आप तो ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ग्रैनी एग्रीड फॉर दिस ज़ूम कॉल। बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। केक भी लेके आना। इतने सारे हमारे? बहुत है, बहुत है। जस्ट से बैनी मैम, मालनी है पगली? हाँ मालनी, बोल। अरे जेपी काका, मैं आपको ही ढूंढते आ रही थी। एक औरत आई है आपसे मिलने, कहती है आपकी पत्नी है शांति श्री। शांति श्री? झूठ बोला कि तेरा ये छोटी सी गलती हो गई ना। ये गलती जाके सुधार, समझा? इधर देख, तेरे जो बचाऊंगी ना मैं। पक्का मेरी वाइफ आई है? हाँ जी, शांति श्री बोल रही है। हो सकता है कोई हो, विधवा गरीब। पता चला जयप्रकाश की बीबी आई है। भाभी जी, ए शांति श्री है उनका नाम। किधर चले गए थे? क्या नौटंकी है, यहाँ गए? अरे हरी के पापा को लगा आप करोना में मर ही गए, लेकिन आप तो जिंदा है। टोटल जिंदा है, मार के देख लो, कुछ भी करके देख लो। एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। बहनी तुम समझती क्यों नहीं? बहनी नहीं, नहीं शांति श्री, तुम क्यों आ गई यहाँ यार? शर्म नहीं आती बात पूछते हुए तुमको? मैं सुनो, लाउड स्पीकर चबा के आई हो क्या नाश्ते में, जो हमेशा शाम सुबह में चली जा रही हैं। कह रहे हैं काम के लिए आए, तुम्हारे लिए आए, बच्चों के लिए आए,
कुआरा बन करके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। प्राउड करो हम पे, प्राउड टू मी। हे राम, नरक मिलेगा तुमको, देखना तुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, भक्त भी आ गए बेटा। आ गई है माता जी, पधार चुकी हैं, चरण स्पर्श करो इनके। सोशल डिस्टेंसिंग। माता जी इधर आइए। हाँ। आप यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकती हैं, आपको कोविड टेस्ट कराना होगा। अरे हम सब करा के आए हैं जी, हमारे भाई जो हैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में जो हैं वो कर्मचारी हैं, वो हमका सब करा के भेजे हैं। अरे तो फिर करा लो, खर्चा कहाँ लग रहा है। ये डॉक्टर साहब पूरे फार्म हाउस के डॉक्टर हैं, बेहोश करे यार दो मिनट मतलब टेस्ट कर, नहीं तो एक और आदमी कोरोना से मारा जाएगा यहाँ। माता जी आपको कैसे पता चला कि आपके डियर हस्बैंड यहाँ पे हैं? हमारा भांजा है अविनाश, इनके फेसबुक पेज पर जो है देखा उसने वीडियो पे, नाचनिया बने हुए थे तो हमने अपने भाई से कह दिया। उसने क्या कहते हैं झट से एम्बुलेंस में जो है नीली बत्ती लगाकर और फट से हमें यहाँ छोड़ दिया। और ई फार्म हाउस तो बिल्कुल 15 कोसी दूर है, हम बेकार ही ढूंढते रहे तुमको इतने दिन। चलिए कोई बात नहीं माता जी, समझ गए हम। माता जी आपको ना 24 घंटा यहीं पर रहना होगा, क्वारंटाइन, वेरी डेडली पैंडेमिक, डेंजरस। ये डॉक्टर की आवाज जो है हरी लल्ला से नहीं मिलती है। रोज सुनते हैं इसे डॉक्टर की आवाज। भैया कुंडली मत देखो, निकलो तू। मिस्टर जेपी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे कि नहीं? बड़ी नानी का बर्थडे है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या है ना कितनी इज्जत करता हमारी, देखो तुम आ गई हो ना, अब आ गई हो तो रश्मन रेखा की तरह उसी कुर्सी पर बैठना हिलना मत, तुमको तुम्हारी अम्मा की कसम। मालिनी, ओ मालिनी, मैं बैनी मैडम को ढूंढ रहा हूँ, कहीं देखा तूने? बैनी मैम तो सुबह ही निकल गई थी। कहाँ निकल गई? उनके बेटे के कोविड की खबर आई थी तो वो तभी निकल गई थी। निकल गई फिर? थैंक यू ग्रैनी, थैंक यू जेपी फॉर दिस वन, आई विल बी बैक। नैन्सी तुमने मेरी स्टिक देखी? मिल नहीं रही। तुम्हें अपनी स्टिक से ज्यादा वो टेढ़ी स्टिक मिथिका के बारे में बरी होना चाहिए, उसने तुम्हारे दोनों भाइयों को यहाँ बुला लिया है नानी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। ऐसा क्यों? शायद नानी ने उसकी बात मान ली हो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये पत्नी है जयप्रकाश की, आपसे अर्जेंट मिलना चाहती हैं। जयप्रकाश की बीवी हो तुम? जी आज बड़ी अम्मा का जन्मदिन है ना, जयप्रकाश हमको बताए थे कि आज यहाँ पर बहुत काम है और ये लोग हमको बताए कि उनका हाथ बटाने वाली कौन बेनी मैडम जो हैं वो आज अपने घर चली गई है। तो यस, बेनी की बेटी कोविड पॉजिटिव हुई थी तो वो सुबह सुबह ही निकल गई, मुझे भी ये सब बाद में ही पता चला। बेनी इज गॉन। जी मुझे मालूम है। देखिए सर क्या है कि हमारे पति तो हमको यहाँ पर काम करने नहीं देंगे, इसलिए हम आपके पास आई हैं, हमको आप बेनी जी की जगह रख लीजिए सर। क्या है कि हमारे गांव में बहुत तंगी है सर। जेपी शादीशुदा है, ये बात मतलब। जेपी सर प्लीज कम, आइए आइए आइए। इन्हें पहचानते हैं आप? पूजा बुआ, फूफा जी के मरने के बाद पूजा बुआ कहेंगे, सब बता दिए हैं हम। सर ये गांधी चौक की पगली है, हर आते जाते को पति मानती, कैन यू बिलीव इट? बुआ कहेंगे और अब पागल कहेंगे, देखो। इनफ। जेपी सर आप इधर आइए। शुक्रिया सर, आपने मेरी इज्जत बचा ली। भाभी जी आप भी क्यों आइए, दोनों लॉक कर दो पुलिस आने तक। ये क्या
लॉक कर दिया। लॉक? हाँ, अभी तो छोटा लॉक है, बड़े लॉक की तैयारी करो, तिहाड़ जेल। पर क्यों? सत्यानाश कर दिया, अब पूछ रही है पर क्यों। तक नाराज हो तो घूंसा मार लो भैया। माई डियर डियर चिल्ड्रन, आज मेरे इस बर्थडे पर मुझे मेरे हस्बैंड, आपके पापा, आप सबके बड़े पापा बहुत याद आ रहे हैं, जिन्होंने सारी अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने में लगा दी थी, सिर्फ ये सोचकर कि उनके बच्चे मिलकर एक बिजनेस एम्पायर बनाएंगे जिसमें सिंह परिवार की डिग्निफाइड फैमिली ट्री होगी। इस सपने को लेकर वो चले गए और उनके जाने के बाद जो मैंने देखा है वो तो बिल्कुल अलग है। बिजनेस एम्पायर टूट रही है, फैमिली ट्री सूख रही है। जब भी भाई भाई को मारता है तो फिर परिवार, समाज, देश सब कुछ टूट जाता है। एनीवे, मेरी बहू मिथिका ने मुझे समझाया है कि आप सबको इस माँ का हक चाहिए। माँ नहीं, हक। ठीक है, मां तो सिर्फ शायद एक को ही चाहिए, वो अंतरा। उसे एक मां और एक बड़ी मां दोनों चाहिए। खैर, आज मैं आप सबको वो दूंगी जो आप सब चाहते हैं, बराबर का हिस्सा। चलिए, बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है मैंने, सो नाउ लेट्स लिव लाइफ एंड एंजॉय टुडे। थैंक यू अंतरा, थैंक यू हैरी, इस फाइनल खुशी के लिए। चलिए केक दीजिए, मैं काटूंगी और अपने सारे कैंडल्स बुझा दूंगी। म्यूजिक प्लीज। कह रहे का मना लो, मौसी का बर्थडे बैठ के, यहाँ डेनी चली गई है, काम चाहिए, करो काम बैठ के। खुशियों के दिन हो, प्यारी प्यारी रातें, मीठी मीठी बातें हो, मीठी मीठी यादें, हम सब की मोहब्बत, हम सब की भलाई। बापू कहाँ हैं?
देवपॉल, जेपी कहाँ है? वो बड़े साहब ने जयप्रकाश और उनकी पत्नी को स्टोर वाले कमरे में लॉक कर दिया है। कहाँ जा रहे हो? मैडम, मैं आपको अपने बारे में कुछ सच बताना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ, जेपी तुम्हारे डैड है ना। तुम लोगों की रामायण की कथाएं सुनी थी मैंने। चुप रही जी। और उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। Why now? मैडम सब कुछ अभी नहीं बता पाऊंगा, बस इतना कि जा रहा हूं और अपनी फैमिली के लिए जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच अंतरा जी। ए, पार्टनर, मैंने ना यहां बहुत कुछ सीखा है आपसे, नानी से। थैंक यू पार्टनर। क्या करे तू? सच्ची औलाद, असली हीरो एंड में सलमान खान ऐसे ही आता है। मैडम आइए आइए, यू आर वेरी वेलकम। बहुत ही कम बर्थडे पार्टीज होती हैं जहां पुलिस आती है वर्दी में, और वो भी स्वर्गीय राजपत सिंह के घर में। तो फिर बताइए, ऐसे शुभ अवसर पे अचानक आपका यहां आना कैसे हुआ, हम सब जानना चाहेंगे। माँ, वो जो बावर्ची था अपना जयप्रकाश, वो धोखाधड़ी से यहां पे रह रहा था, उसी को अरेस्ट करने आया। मैंने बोला नहीं सर, एक्चुअली हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। आपने अपनी मां के साथ धोखाधड़ी जो की है। सॉरी मैडम, हमारी क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट हमें मिली है, वो आज की कहानी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस फैमिली। 15 मई शुक्रवार की शाम 7:30 बजे प्रतीक कक्कर आपसे मिलने आया था, तब रौनक सर ने उसे बीच में रोका। पहले गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई भी हुई, और इसी हाथापाई के बीच रौनक सर ने उसे फार्म हाउस के कुएं में फेंक दिया। मां, प्रतीक कक्कर आया था, मैंने बताया था आपको, आप सो रहे थे। सर, उसके सबसे पहले गवाह तो आप ही हैं। आप यहां आए थे, आपने कुएं की तलाशी ली, करेक्ट? कुछ मिला आपको? नहीं मिला। तो कहां गई, मतलब भगवान जी ले गए, उठा दी, कहां फेंक, क्या हुआ? सर, जब आपने प्रतीक को कुएं में फेंक दिया तो वो पानी में छिपा रहा, जिंदा था। एनी प्रूफ? ऑफ कोर्स सर, प्रतीक जब पानी में डूब रहा था, बाहर निकलने की कोशिश में उसका पहना हुआ एक मास्क एक पौधे में फंस गया। वो बाहर तो निकल गया, लेकिन मास्क सर वहीं छूट गया, और वही मास्क हमें तब मिला जब हमने कुएं के अंदर की तलाशी ली। कोई बॉडी मिली क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। थोड़ा राइट जाओ, राइट। That's an interesting point.
क्या? मतलब एक लाश खुद ब खुद कुएं से बाहर निकली। चलो ठीक है, फिर वो चली कहां गई? वो तो आप ही बता सकते हैं गजेंद्र सिंह सर। मैं? जी प्रतीक, जब फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों से निकलकर बाहर रोड पर आया तब आपकी गाड़ी MH07Q0681 वहां पर खड़ी थी। सर रोड साइड की सीसीटीवी रिपोर्ट है हमारे पास सर। इट्स अ गुड गेस ऑफिसर, पर इस नंबर की गाड़ी मेरी है नहीं। राइट, वो गाड़ी आपकी है भी नहीं। वो गाड़ी आपकी कंपनी के नाम आपके अकाउंटेंट नमित दोषी के ऑफिशियल यूज के लिए है। लॉकडाउन के कारण मैम नमित गाड़ी कंपाउंड में ही छोड़ गया था। आपने सिक्योरिटी गार्ड से उसकी चाबी ली, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये सीसीटीवी रिपोर्ट कह रही है और आपके सिक्योरिटी गार्ड का भी यही बयान है। तो आपके हिसाब से वकील साहब का मर्डर मैंने किया है? सर आप खुद ही कबूल कर रहे हैं। आगे बोलिए। जी मैडम, आप इसी गाड़ी में प्रतीक को लेकर फार्म हाउस गए, प्रतीक को अंदर भेज दिया, लेकिन दो घंटे बाद जब आपने प्रतीक को खून और पानी से लथपथ देखा तो आपने उसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचा। उसी वक्त इनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर प्रतीक मर जाए तो सारा ब्लेम रौनक सर पर चला जाएगा। रौनक सर अरेस्ट हो जाएंगे और आपकी नजरों में इनका रास्ता साफ हो जाएगा। आपने प्रतीक को पत्थर से मार तो दिया, उसकी बॉडी को जंगल के पास वाले नाले में फेंक तो दिया, लेकिन वो बॉडी सफाई कर्मचारी को कुछ दिन बाद मिली, यानी हमारे पास आ गई। सर मोबाइल, सीसीटीवी, फोरेंसिक, पोस्टमार्टम, सभी रिपोर्ट यही कहती हैं कि प्रतीक का फाइनल मर्डर आपने किया है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आई ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको ये सब बोलने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए, करेक्ट? मिथिका बीरेंद्र सिंह आपका नाम ही है ना? Yes. इस अरेस्ट वारंट में आपका नाम भी है। Oh, really? Oh, yes. मैडम, गजेंद्र सर के इस सारे हादसे की जानकारी इनको भी थी, इसलिए इन्होंने फौरन एक नई विल बनाई और आपको देने के लिए फार्म हाउस पहुंची, और आपने दूसरी विल मैडम को थमा दी। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। इस बात का फैसला कोर्ट में होगा। श्योर, कोर्ट करेगी। फिलहाल आप तीनों के नाम पे अरेस्ट वारंट है। और किसी को अरेस्ट करना है आपको? जी नहीं मैडम। मैम मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको। सब कुछ जानने के बाद एक माँ होकर भी आपने हमें यहाँ बुलाया ताकि हम सबको खुलकर बता सकें कि गलत और सही क्या है। झूठ बोले ही काहे? हैं? अरे झूठ काहे बोले तुम? अरे अपने हाथ में किस्मत की लकीर खींचने के लिए झूठ बोले और क्या? खींच लिया किस्मत का लकीर? तुमसे बेहतर कहो तो दिखाएं। ज्यादा नहीं, दो ठो हीरे की बंगड़ी मिली बस। तुम्हारी अम्मा आ गई ना, मेरा तो एक
लाल रंग का था कुछ उस पर नजर। चोरी किया? अरे तो इतने बड़े ज्यादा आदमी से दो बूंद कोई अगर निकाल ले तो मजबूरी है, चोरी थोड़ी है। तो बेनी मैडम भी लेके गई है एक नेकलेस, समझ रहे हो? और बताओ, वो बड़े बड़े लोग जो अपनी माँ की जायदाद हथियाने के चक्कर में, उनका सोचो तुम। चोर कहीं की? क्या चोर कहीं की? देखो बेटा, दो टाइम आदमी चोरी करता है, एक तो जरूरत पड़ने पर और एक लालच पड़ने। लालच वालों का तो हाल देखा ही नहीं है ये। 36 फार्म हाउस। हरी भैया, तुम्हारे लिए फोन है मुंबई से, कोई अंतरा बात करना चाहती है। हेलो अंतरा, कैसे हो आप? आई नो तुम गुस्सा होगे कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया, नानी नहीं रही हैं। जाते जाते नानी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी, राजपा चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में जो सारे मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन सब के रहने के लिए मकान बनाए जाएंगे और उन्हें सस्ते में दिए जाएंगे। हैरी, काम बहुत बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और फिर से मेरे साथ काम करो, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। और हाँ, इस टाइम मैडम जी वैडम जी नहीं चलेगा, तो मास्टर जी बन के नहीं, मेरे पार्टनर बन के आओगे। प्लीज से यस। यस, आता हूं मैं। प्रभु जी की लीला समझ में न आई रे, करे किसकी धुलाई कई ढेरों कमाई रे। किसी को देना ढेला कहीं धन का मेला, थोड़ी तो पड़ जाए किस्मत की नजर। Mind your business और आगे निकल। Mind your business और आगे निकल। Mind your business और आगे निकल। दिल में फकीरी पर धन की तो चाहत है, करते जो चोरी वो अपनी एक आदत है। दर बदर लगाते किस्मत के चक्कर, जेब से तो खाली है फिर भी अकड़, फिर भी अकड़। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल, भूल जा तू सबको, भूल जा तू सबको, रह खुद पे निर्भर। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। दिल में फकीरी पर धन की तो चाहत है, करते जो चोरी वो अपनी एक आदत है। दर बदर लगाते किस्मत के चक्कर, जेब से तो खाली है फिर भी अकड़, फिर भी अकड़। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल, भूल जा तू सबको, भूल जा
जा तू सबको रह खुद पे निर्भर माइंड योर बिजनेस और आगे निकल माइंड योर बिजनेस और आगे निकल।